लोग यहाँ पे सर्दी इस एरिया वो सारे को वो सील किया जाता है, कंटोनमेंट जोन बनाया जाता है जी। वो अभी नाके लगा रहे हैं हम, इस जो फैक्ट्री एरिया है जो सील करेंगे। अच्छा, जो मरीज, दो कोरोना मरीज मिले हैं वो दो अंदर है, वो तीन आदमी रह रहे हैं और बाकी फैक्ट्री में कोई लेबर नहीं है। नहीं, अभी इस एरिया को सैनिटाइज कराएंगे और जो बच्चे इनके पड़ोस में जो घर है इनकी सैम्पलिंग करवाएंगे। जगह देती हूँ हम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा भी लोग सचेत रहे, कोरोना बीमारी जो है जिस प्रकार से पैर बसा रही है, इसका सोशल डिस्टेंस और मास्क का यूज़ करें और बिल्कुल अपने जो इसके एहतियात बरतने चाहिए वो एहतियात बरतें, तो उसी में बचाव है सब। और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दे, प्रशासन को दे, ताकि उन लोगों की सैंपलिंग हो सके। ये लोग भी दिल्ली से आए थे, दिल्ली से आए, हाँ, तो अपने यहाँ नहीं है। लोग जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन को दे, ताकि ये बीमारी फैलने से अपने शहर में रोकी जाए। आज एक जो है 21 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। ट्रैवल की हिस्ट्री है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं जो दिल्ली से हमारे पास पहली तारीख को आए थे यहाँ किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, और ये फैक्ट्री में ही रह रहे थे। तीन लोगों के सैंपल लेकर भेजे गए थे उस जगह से इकट्ठे जो दिल्ली से आए थे, और उनमें से एक रिपोर्ट जो है हमारी पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से यमुनानगर में अब एक हमारे पास एक्टिव पेशेंट है। अब तक हमारी टोटल 10 रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई हैं, जिनमें से 9 व्यक्ति ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और एक जो है ये हमारे पास एक्टिव पेशेंट है इस टाइम यमुनानगर।